नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कावत। निफ्टी व्यू 11 मई 2021 निफ्टी में एक अपमूव तो मिला, बहुत बढ़िया मिला। ये मुझे स्ट्रेस्ड अप लगता है। ये जो मूव लगाया है, जो मैंने माफ किया है, ये काफ़ी हद तक मुझे स्ट्रेस्ड लगता है और मेरा कंफर्ट जोन मिसिंग है। इसके सामने 15,000 का ये आंकड़ा है, ये भी तो टफ रेजिस्टेंस है, तो मुझे नहीं लगता ये ईजी है क्रॉस करना। ये मेरा डिसकम्फर्ट, लेकिन ट्रेंड देखे जाएंगे, इंडिकेटर देखेंगे तो सब कुछ तो सही है, लेकिन मैं वो देखता ही नहीं। रही बात निफ्टी बैंक की, हाँ ये चाल जो देखेंगे ना, ये भी कंफर्टेबल चाल नहीं है। जैसे ये अपमूव गया है, उस अपमूव में कंफर्ट नहीं, इसमें फटी है, थकान है, ऐसे मुझे नजर आता है। तो दोनों में दिक्कत है, एक तो ज़्यादा फास्ट है और एक ज़्यादा स्लो है, चलेगा नहीं ना। चलो निफ्टी इंटरनल देखें क्या है। निफ्टी इंटरनल देखते हैं तो यहाँ पर ये दिक्कत है, जो 15,000 का ये आंकड़ा है, यहाँ पर दिक्कत है प्रीवियस रेसिस्टेंस है। हो सकता है 15,000 चला जाए, हो सकता है गैप अप खुले और नीचे आ जाए, कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट लेवल है 14,880, ये ब्रेक हो जाएगा तो फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस दिखाई देगा। क्या वो होता है कल, हमको पता नहीं, होगा तो देखेंगे। निफ्टी बैंक का क्या है? वेल, निफ्टी बैंक का वही हाल है, ये फटी गया, थकान है, ऊपर जाएगा तो मैंने यहाँ मार्क किया हुआ रेसिस्टेंस जोन, ये जोन ऑफ रेसिस्टेंस है, यहाँ पर जाएगा तो थकेगा, हो सकता है ऊपर खुले यहाँ पर और फिर नीचे आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन रियल वीकनेस आएगी जब ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर 32,800, लिख देता हूँ मैं 32,800, और ये क्या है यहाँ पर, यह है 33,100, ये भी लिख देता हूँ, ये ब्रेक हो जाएगा तो फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस मिलेगा, सिंपल ऐसा है। हमको तो सिर्फ अपने पॉइंट्स मार्क करनी चाहिए, कहाँ खरीदे कहाँ बेचे, और कुछ नहीं होना चाहिए। हमको तो सोचना भी नहीं चाहिए क्या होगा, जो होता है होने दो, मार्केट में वही होगा जो मार्केट करेगा, हम वही करेंगे जो हमको करना है। हमको हमारे पॉइंट्स सही है तो हम वहीं पर खरीदेंगे और कहीं पर बेचेंगे, बस इतना तय है। क्योंकि हाँ भगवान।